देखिए श्रीमान जी, मैं आज आपको नगीना, ये बिजली घर के सामने खड़ा हूँ मैं। ये बिजली घर है और ये कताई मिल, कताई मिल बराबर में। ये नगीना टू बिजनौर, ये नगीना है ऐसे 1.5 किलोमीटर। और ये बिजनौर की रोड है, पुराना हाईवे, नेशनल हाईवे 74। ये पूरा ये मतलब फार्म बोलते हैं पर, इसे जनरल लोग जानकारी के हिसाब से फार्म कहते हैं यहाँ पर। ये फार्म पर है, ये नगर पालिका का गेट लगा है और ये बिजली घर है। और मैं आपको ऐसी बढ़िया प्रॉपर्टी दिखाने वाला हूँ, लोकेशन मेरा बताना काम जरूरी है। मैंने आपको बताया बिजनौर है से कोतवाली, ये हाईवे में चला जाता है यहाँ से, ये 2 किलोमीटर के बाद में हाईवे फोर लाइन हाईवे तो ये है NH 734 हो गया वो फोर लाइन। और मैं अब ये जगह ख़ास तौर से कहलाती है फार्म। ये कालाखेड़ी के लिए रास्ता क्या है, पटपड़ा, ये कालाखेड़ी भी जा सकते हैं, इधर से नहर है बराबर में, नहर हर गांव चांदन पटपड़ा और आगे छोटा करतपुर समझ आती है रोड, ये नहर है इधर की तरफ। और ये रौनक की जगह है, आज से नहीं पहले से बड़े मार्केट मामला है। और मैं आपको उस रोड पर लेके जा रहा हूँ आसानी से सफर से, क्योंकि ये पक्की रोड है, काली रोड है, चौड़ी रोड है, चौड़ी रोड है। लगभग ये 20 कदम लगभग चलने के बाद, यानी कि 20 गज चलने के बाद में, ये तो है आपका मिल का है, मिल की कॉलोनी, मिल की दीवार है। कताई मिल जो हुआ करती थी यहाँ पर है आज भी, लेकिन वो बंद है। एक मिल की दीवार है, ये मिल के क्वार्टर बने हुए। और ये सामने आपके हाँ, ये बिजली घर है, मैं दिखाता हूँ। ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ कितने करीब है। ये रहा हाईवे NH 74, ये गाड़ियाँ जा रही हैं 20-25 कदम चलने के बाद में। और ये आ गए हम यहाँ पर, ये करीब 25-30 फुट चौड़ा रास्ता है, काली रोड यानी चौड़ी रोड है। और ये मस्जिद के लिए भी यहाँ पे मस्जिद बनी है, उसके लिए रास्ता है यहाँ पर। ये प्लॉट है, इसमें इस प्लॉट के अंदर है तो दीवार तक, और ये पीछे लाल रंग की जो दीवार हो रही है, ये लगभग 4 बीघा के आसपास है। ये इसमें से आधा आधा यानी कि 1800 वर्ग गज लगभग, ये देखिए ये यहाँ जैसे इसका रोड पर 125-30 फीट का इसका फ्रंट है, बढ़िया। अगर मस्जिद को रास्ता दिया जाता है, मस्जिद को रास्ता होगा, ये मालिक से बात करी जाएगी, आपस में बात कीजिए, तो डबल फ्रंट का रास्ता हो जाएगा, डबल रास्ता हो जाएगा इसका, एक इधर हो जाएगा एक इधर हो जाएगा, समझौते में उम्मीद तो है कि बनेगा रास्ता। बात कीजिए, आप भी छोड़ सकते हो, भी छोड़ सकते हैं। मेरा काम है हर सिचुएशन को बताना जताना, यही मेरी खूबी है। ये हमारे श्रीमान जी बाबू भाई हैं, उनका प्लॉट है, बढ़िया प्लॉट है। इस प्लॉट में एक खूबी और है, सड़क लेवल पर है, यानी कि 5-7 फीट 10 फीट गहराई की ज़मीन है, ऐसा नहीं है, सड़क लेवल है एकदम, मिट्टी भराव की कोई ज़रूरत नहीं। आइए, मकान बनाइए, रहिए, बिल्डिंग बनाइए, वेयर हाउस खोलिए, कोई गोदाम बनाइए, कुछ खोलिए, यहाँ पर बहुत बढ़िया मेटर। ये आगे कॉलोनी है, मिल की कॉलोनी, वहाँ रास्ता गया है और ये रास्ता फिर पड़े तरफ को दूसरी चक रोड पर गई भी आगे, वहाँ से चला गया है। ये मैं हमारे बाबू भाई हैं, लाठी वाले बाबू भाई,
उनका है ये, उनका मोबाइल नंबर है 84 33 232 660। उनके नंबर पर बात करें या मेरे नंबर पर बात करें, मैं मास्टर साफ़ हुसैन 97 56 28 67 51 मैं आपको बताना और जताना चाहता हूँ कि मेरे मोबाइल पर, यानी कि मेरा चैनल है सहारा प्रॉपर्टी 50, सहारा प्रॉपर्टी 50, इस चैनल पर आप सब्सक्राइब कीजिए, देखिए बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं, बहुत सारे मौके हैं इसको। आप भी अपनी कोई प्रॉपर्टी, ज़्यादा प्रॉपर्टी से संबंधित मेरा है ये वीडियो डालता हूँ मैं आपके लिए, भी मैं तत्पर तैयार हूँ। ये सब मैंने चारों तरफ से घुमा फिरा करके हर चीज़ दिखा दी आपको। मैं मास्टर सराफत हुसैन, मेरा मोबाइल नंबर है 97 56 28 67 51। थैंक यू। मैं आपकी फ़ोटो डाल दूँ, खड़ा हो जाएगा बिल्कुल। बाबू भाई हैं हमारे, हैं उनके बेटे हैं। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम असद अहमद। असद भाई आप ये बेच रहे हैं ना? जी हाँ। बाबू भाई का नाम, पूरा नाम पता बताओ। पूरा पुराना असद अहमद, मोहल्ला लाल सराय नगीना, सन ऑफ इश्तियाक अहमद, बाबू भाई लाठीवाले। अच्छा, आपसे कोई लेने वाला आदमी पहुँचेगा तो कहाँ पहुँचे? हमारा घर है नहर पर और फैक्ट्री है लाइन पार, लाइन बाबू भाई शफीक हैंडीक्राफ्ट के नाम से। दोबारा बोले? शफीक हैंडीक्राफ्ट के नाम से। अपना मोबाइल नंबर बोल दें। 9259593714। बिल्कुल ठीक, एक मिनट। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।